गाइस, तो राइड से आने के बाद मैं आज व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्चुअली जो रमज़ान के स्टार्टिंग के डेज़ होते हैं वो इतने ज़्यादा बिजी जाते हैं, आई डोंट नो वाई, कि बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। एनीवे, एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है राइड से आने के बाद वो ये है कि जितना ज़्यादा मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, जैसे कि आई डोंट नो मैंने कब ट्रैवलिंग स्टार्ट की थी, बहुत छोटे से, बट जितना ज़्यादा मैं ट्रैवल करता हूँ मुझे ट्रैवलिंग की उतनी ज़्यादा क्रेविंग होती है। जैसे कि अभी मैं एक ब्रेक लेकर आया हूँ तो इसके हिसाब से मुझे अब कुछ दिन तक ट्रैवल का मन नहीं करना चाहिए, बट जैसे ही मैं आया वो मेरा फिर से कहीं जाने को मन कर रहा है। बट ऑफकोर्स रमजान में तो पॉसिबल नहीं है। डोंट कॉल योर सेल्फ एन इंडियन अगर आपके घर पर ये बर्तन नहीं है। जस्ट किडिंग। ऑल्सो आप में से कुछ लोगों ने नोटिस किया होगा कि मेरे जो बाल हैं वो थोड़े मेस्ड अप हैं और थोड़ा डिफरेंट लुक आ रहा है। आई नो शायद अच्छा भी ना लगे, बट मैं कुछ ट्राई कर रहा हूँ, जो अगर हो जाता है तो ईद में आप लोगों को कुछ बहुत आई डोंट नो अच्छा या बुरा, बट कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। बाय द वे, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एक्सट्रीमली फाइन। जिन लोगों के रोजे चल रहे हैं आई होप उनके रोजे आराम से अच्छे से कट रहे हो, और जिसका काम चल रहा है आई होप वो सब अच्छे से चल रहा हो। यहाँ पर मैं नहा धोकर बाल वाल सेट करके बिल्कुल तैयार हो चुका हूँ इफ्तारी के लिए। तैयार इफ्तारी के लिए नहीं हुआ, बाहर जाने के लिए हुआ। तो पहले इफ्तारी ख़त्म करता हूँ, उसके बाद आप लोगों से बातचीत शुरू करता हूँ। तो अच्छी वाली इफ्तारी करने के बाद आती है गंदी वाली नींद, बट हमें झांसे में नहीं पड़ना है क्योंकि हमें जाना है सुजुकी शोरूम शेजान के लिए न्यू बाइक या स्कूटी देखने के लिए। वैसे तो उसके पास बाइक है तो मोस्ट प्रॉब्ली वो न्यू स्कूटी लेगा। अब अपने पास दो ऑप्शन है, आइदर वी कैन गो टू पार्क स्ट्रीट और आइदर वी कैन गो टू डॉन बॉस्को स्कूल पार्क सर्कस। अब दोनों का डिस्टेंस भी यहाँ से इक्वल है, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि जो पार्क सर्कस वाला है उसमें जो हम लोग ढूंढ रहे हैं वो मिल जाएगा। अब हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, क्यों ढूंढ रहे हैं, ये जब गाड़ी देखेंगे तो आपको बताएंगे। अभी चाय पीते और निकलते हैं। शोरूम तो पहुंच चुके हैं और मैजिकली बाल अभी भी सेट है। मुझे लगा था कि हेलमेट की वजह से सब कुछ खराब हो जाएगा, बट सेट है। लेट्स गो। बट वो वाला कलर अच्छा लग रहा है, वो वाला कलर। ये भी मैक्सी है, वो भी मैक्सी है, बट दोनों पैकेज मैक्सी का आपका फीचर वाइज देखो सब कुछ सेम है, सिर्फ जो डिफरेंस आता है वो बॉडी पर आता है। नहीं तो भारी तो चाहिए, भारी चीज इतना लोड ले पाएगा। वैसे तो हम लोग काफ़ी लेट हो गए आने में, अब लेट्स सी, फाइनेंस वाइनेंस सब कुछ जा चुके हैं, बस एक आइडिया लेना है। तो लेट्स सी कुछ समझ में आया है, मैं आपको आराम से समझाता हूँ कि क्या समझ में आया है। ऑल्सो जो वी स्टॉम है वो भी लॉन्च हो चुका है, आई गेस अभी तक कलकत्ता में नहीं आया, बट वी स्टॉम आता है तो उसको भी देखने जाएंगे क्योंकि टूरिंग लेने का प्लान बन रहा है। अभी ये डिसाइड किया है कि इससे तो लेंगे, लेकिन उससे भी अच्छी एक बहुत अच्छी गाड़ी हम लोगों को पसंद आई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो है ये, डबल सीटर है, हम लोग दोनों के लिए राइड के लिए परफेक्ट है। अभी प्लान था अपना कुछ खान पान करने का, लेकिन शेजान भी फुल है, मैं भी फुल, जैसा कि मैंने बताया इफ्तार करके हम लोग फौरन निकल गए। तो अभी सिर्फ जाएंगे राजा बाजार, वहाँ जाकर अगर बटर कॉफ़ी मिलती है तो पियेंगे। BMW का भी है, सुन ना, अब ये नहीं पता कि BMW और सुजुकी का कोलैबोरेशन कब हुआ, बट हो गया। तो अभी एक बहुत ही छोटा सा हादसा जो बड़ा हो सकता था होने वाला था, बट नहीं हुआ, और मेरा कैमरा भी ऑफ से रिकॉर्ड नहीं कर पाया। जो आप लोग ने पीछे भीड़ देखी वो था। स्कूटी में अक्सर ऐसा होता है कि लोग सबकॉन्शियसली एक्सीलेटर दबा देते हैं, और एक आंटी के ऊपर अभी बहुत जोर लगा बट वो गिरी नहीं। वेलकम टू द रियल कोलकाता। ये जो आप लोग इतनी खाली जगह देख रहे हैं,
जो इतनी खाली जगह देख रहे हो इसका नाम है राजा बाजार। अगर कलकत्ता से हो तो इसके बारे में पता होगा। वेलकम टू राजा बाजार। तो अभी शिजान तो दाढ़ी बना रहा है, मुझे ये डिसाइड करना है कि बाल कटा लिया जाए या नहीं। ईद में अभी भी 15-20 दिन है तो लेट्स सी। वैसे तो मेस्ड अप हो चुका है सब, बट अगर अभी कटा लेते हैं तो आने वाले में थोड़ा अच्छा लगेगा। सॉरी, 15 दिन रह गया है ईद को। 15 दिन या 14 दिन हो सकता है, ठीक है 14 या 15 दिन ईद के लिए बाकी है। मैंने 20 बोल दिया, आई एम रियली रियली सॉरी। हे गाइस, सो आई एम बैक होम। मैंने शैम्पू तक करवा लिया था बाल कटवाने के लिए, बट लास्ट मोमेंट पे मेरा माइंड चेंज हो गया और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया जिसकी वजह से मुझे निकलना पड़ा। सो शिजान ऑलरेडी ओन्स अ बाइक, इसलिए वो स्कूटी के लिए जा रहा है। ऑल्सो स्कूटी सिटी कम्यूटेशन के लिए बेस्ट है, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी होता है। इसीलिए मैंने भी राइड में अपने लिए स्कूटी यूज़ की। मेरे पास ऑप्शन थे बाइक का, स्टिल वी चोज स्कूटी फॉर लॉन्ग ड्राइव। आई नो काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि भाई बाइक पे ही प्रॉपरली हो पाता है, एंड आई अग्री बाइक पे मे भी हो पाता होगा बिकॉज ऑफ सीसी, बट आज का जो नया इंजन आया है जो कि BS6 है उसमें आई डोंट थिंक मैटर करता है। द मेन थिंग इज आपको कितना एक्सपीरियंस है राइडिंग का, एंड आप अपने व्हीकल को कितने अच्छे तरीके से जानते हो। मैं अगर आपके हाथ में 1000 cc की बाइक दे दूँ एंड इफ़ यू डोंट नो हाउ टू कंट्रोल दैट पावर, तो आप उससे 100 किलोमीटर छोड़ो 1 किलोमीटर भी नहीं कर पाओगे। मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि व्हीकल डिपेंड करता है बट कम्प्लीटली व्हीकल पर डिपेंड नहीं करता है। अगर आप एक एक्सपीरियंस और गुड राइडर हो और आप पैशनेट हो अबाउट रोड्स एंड एवरीथिंग, जैसा कि मैंने कहा कि लास्ट ट्रिप से आने के बाद मेरा और ज़्यादा ट्रैवलिंग का क्रेविंग हो रहा है। सो या अभी फाइनल नहीं हुआ है, अभी भी वो आज जाकर सोचेगा, काफ़ी कैलकुलेशन वगैरह करना है, क्योंकि हम काफ़ी कुछ देखकर व्हीकल लेते हैं जस्ट बिकॉज टीवी पर आ रहा है या देखने में अच्छा लग रहा है, इतना सीसी है ये नहीं। हम लोग दोनों ही काफ़ी चूजी हैं अपने व्हीकल को लेके, इसलिए मैंने भी यामा रेस रडार लिया। आई गेस अभी भी आप उसको काफ़ी कम देखोगे रास्ते पे, और जब मैंने लिया था वो तो किसी के पास नहीं था। अपने नीड के हिसाब से आप उसको कैसे यूज़ करने वाले हो, और जहाँ तक मैं खुद को और शिजान को जानता हूँ, कोई भी व्हीकल लेने के बाद हम दोनों लॉन्ग जाने ही वाले हैं। ऑल्सो मैंने जो वी स्टॉर्म के बारे में बताया, मैं वी स्टॉर्म एंड काफ़ी सारे टूरिंग बाइक्स आ रहे हैं उनका वेट कर रहा हूँ, क्योंकि वो कहते हैं ना हाथी लेना आसान है, हाथी को पालना नहीं। तो मैं बस अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूँ फॉर अ टूरिंग बाइक। अगर मैं 125 cc में 500 किलोमीटर जा सकता हूँ, तो आई गेस 500 cc में मैं कितने किलोमीटर चल जाऊँगा मेरा खुद नहीं पता है। राइडिंग के काफ़ी सारे प्लान्स हैं जो आप लोग मुझे देखकर समझते ही होंगे कि ट्रैवलिंग राइडिंग होने वाली है। टूरिंग बाइक भी बहुत जल्द आएगी इंशाल्लाह, बट जैसा कि मैंने बोला मैं और शिजान काफ़ी चूजी हैं व्हीकल को लेके, तो उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा स्टडी रिसर्च होगा एंड देन वो आएगी। बट अभी के लिए हम लोगों ने चूज़ किया है कम्फर्ट, माइलेज एंड अपने हिसाब से जो मोस्ट सुइटेबल है वो व्हीकल। अब इंशाल्लाह देखते हैं आगे क्या होता है। ऑफकोर्स डिलीवरी होगी तो मैं तो रहूँगा और आप लोग भी रहोगे तो पता चली जाएगा। सो एनी रीज़न, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर वीडियो में कोई बात अच्छी नहीं लगी तो वीडियो को डिसलाइक कर देना। आप अपने व्हीकल कैसे चूज़ करते हो, और अगर आप एक व्हीकल लेते हो तो आप उसमें सबसे ज़्यादा क्या नोटिस करते हो, ये मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, कनेक्ट हो जाओ, वहाँ भी बोल बोल कर थक गया हूँ, वहीं पर सारा अपडेट्स मिलता है रिलेटेड टू एवरीथिंग। इनफैक्ट ये जो व्लॉग आएगा इसकी स्टोरी में अभी तक लगा चुका हूँ कि व्लॉग आने वाला है, तो अब जाता हूँ व्लॉग एडिट करता हूँ एंड या मोस्ट प्रोबेबली आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। लिव, एक्सप्लोर, बिलीव इन योरसेल्फ।